देखिए, अपनी सरकार जब बनी थी 2014 में, उसी समय एक कल्पना हुई थी कि हम सुखी भारत देंगे, और सुखी भारत की उन्होंने व्याख्या किया था। सुखी भारत माने स्वाभिमानी भारत, सुरक्षित भारत, संपन्न भारत, और इन तीनों दिशाओं में काम किया केंद्र सरकार ने। तीनों दिशाओं में काम किया है, हमारी विधानसभा में भी यहाँ जो आवश्यकता पड़ी इनमें से सबको पूरा किया है। अब आप स्वाभिमानी भारत की चर्चा करें तो हम भारत, हम यहाँ हमारा जनपद नेपाल के किनारे नेपाल के बगल में हमारे यहाँ नेपाल देश है, बॉर्डर का ज़िला है। लेकिन जो बॉर्डर के ज़िले पर समस्याएं आती थी जब से हमारी सरकार आई है, उनमें से अनेक समस्याओं का निदान हमको अपने आप दिखाई पड़ रहा है। ऐसे जो स्वाभिमानी भारत की बात करते हैं उसमें भी यहाँ आप देख लीजिए, कितने भी कई ऐसे स्थल हैं जो स्थल काफ़ी उपेक्षित है, उनको भी सरकार ने जगाया है, सचेत किया है। जितने और लोग, जितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे चाहे जिस दल के रहे, उनके सब के स्थानों पर जाना, माला पहनाना, उनका स्वागत करना, उनका सम्मान करना, माने जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, जो देश के लिए मरा मिटा है, उसका सम्मान करने का काम हमारे दल ने किया है, स्वाभिमान का किया है, सुरक्षा का किया है। और संपन्नता तो यहाँ आपको देखने के लिए सामने जो सड़क है NH 127, इसी NH 927 पर हम लोग चलते थे। बहराइच, जरवल से बहराइच पहुँचने में जो 2 घंटा लगाते थे, 2.5 घंटा लगाते थे, वह आप मात्र 1 घंटा भी नहीं लगता, हम आराम से पहुँच जाते थे। सड़क की दुर्दशा ठीक हुई है। यहाँ टूटकर जो अंदर सड़क है 137 किलोमीटर सड़क, वह यहाँ बीच में बनकर दुरुस्त हो गई है, बढ़िया पेंटेड, जो पूर्व की थी।